हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहता हूँ जो कि हमारे डॉग में कॉमन है, और ये 100 में से 65-70 डॉग्स को ये प्रॉब्लम एक ना एक बार आता ही है, स्पेशली बरसात के सीज़न में, क्योंकि ये पानी लगने के कारण होता है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कमाफिया, इसके पैर में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ का ये बाल उड़ा लिया है, और इस पैर में भी है, और कुछ ऐसे ही पूरे बॉडी में है। कम सेट हुआ ये कि माफिया को ये पिंपल्स की तरह पहले होता है, उसके बाद फिर ये खुजली कर करके यहाँ का बाल हटा लेता है, और थोड़ा ब्लड की तरह भी आता है, यहाँ पे नाखून लग जाता है। तो ये ऐसा कुछ हो रहा था, तो मुझे पता नहीं था कि इसका क्या है, बीमारी क्यों हो रहा है और क्या सॉल्यूशन है। उसके लिए मैं मेरे डॉक्टर के पास गया, अगर आप जमशेदपुर से हैं तो आपको पता होगा डॉक्टर विकेश, तो मैं उनके पास गया था। तो मुझे ये पता चला कि इसे माइल्स कहते हैं, और ये बरसात में पानी वगैरह लगने के कारण होता है, और ये अगर एक बार हो गया तो फिर वो पूरा फैलते चले जाता है बॉडी में, और अगर इसे रोका नहीं गया तो ये जहाँ जहाँ खुजली करेगा वहाँ पूरा बॉडी को बाल उड़ा देगा, और ये जानलेवा है इसके लिए। तो उसके लिए कुछ कुछ दवा मुझे वो दिए हैं, तो चलिए दिखाते हैं कि वो दवा कौन सा है और उसे क्या फ़ायदा है। तो पहला दवा ये है, आप देख सकते हैं ये दवा है, ये इसमें एक ही टैबलेट था जो कि मैं इसे दे चुका हूँ, आप देख सकते हैं ये एक ही टैबलेट था, बस इसमें ये एक ही बार देना था। इससे है कि आपके डॉग का जो ये माइल्स का प्रॉब्लम है ये बिल्कुल जड़ से अंदर से ख़त्म हो जाए, क्योंकि इन्फेक्शन अंदर से होता है, ये पूरी तरीके से ये ख़त्म हो जाएगा। और ये थोड़ा कॉस्टली है, बट ये ऐसा दवा है कि अगर आप ये एक बार दे दें तो फिर आपको कम से कम 5-6 साल के लिए तो इस बीमारी से ये दूर रखेगा ये दवा। तो पहला दवा ये हुआ, फिर ये दूसरा दवा ये है कि ये लिक्विड है, और ये है कि जब इतने सारे दवे पड़ेंगे तो उसके बाद फिर पेट गर्म हो जाएगा, पेट को ठंडा रखने के लिए ये लिक्विड दिए हैं। ये दूसरा दवा मुझे मिला है, और तीसरा जो दवा है ये एंटीबायोटिक है। ये है कि ऊपर जैसे पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं और जहाँ खुजली कर रहा तो उस जगह को सुखाने के लिए ये है। ये मुझे ये तो एक ही था, ये एक बार देना था, ये दिन में एक ही बार देना है पेट को ठंडा रखने के लिए, और ये भी मुझे दिन में एक ही बार देना है। और हाँ, इसका खुजली हो रहा है, वो खुजली ठीक करने के लिए ये एक टैबलेट है, और इसका नाम आप देख सकते हैं डेफ्लाजाकोट टैबलेट्स, ऐसा इसका नाम लिखा हुआ है। ये खुजली के लिए, जिससे कि इससे खुजली नहीं होगा। और ये जो एंटीबायोटिक है इसका नाम है लाइनजोलिड टैबलेट्स, ये खुजली एंटीबायोटिक है रोकने के लिए, और ये है खुजली के लिए, खुजली नहीं रोके ना हो उसके लिए। और साथ ही मुझे एक ये टैबलेट सिरप मिला है, जिससे कि जहाँ इसका बाल उड़ गया है वो अच्छे तरीके से आ जाए और थोड़ा कोट अच्छा हो जाए, उसके लिए सिरप है। और कुछ ये था ये सब दवा, और इसमें सबसे मेन जो है वो तो ये है कि इसे ये नहीं देंगे तो अंदर से ठीक नहीं होगा, ऊपर ऊपर ठीक हो जाएगा। इसका नाम है आपका फ्लूरेलेनर 1000 mg च्यूएबल टैबलेट्स है, ब्रावेक्टो कंपनी का है। तो ये मेन है, ये अगर आप नहीं देंगे तो अंदर से ठीक ही नहीं होगा। तो आप अपने डॉक्टर से भी ये दिखा सकते हैं, ये बेस्ट है माइल्स के लिए। फिर इसके बाद अगर है, अगर आपको देना है तो ये खुजली के लिए, ये खुजली रोकने के लिए उसको देने वाले, तो वो खुजली कर करके फिर वहाँ पे वो घाव कर ही देगा। इसका नाम फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, डेफ्लाजाकोट है टैबलेट्स, और एंटीबायोटिक ऊपर से सुखाने के लिए ये लाइनजोलिड टैबलेट है। और इन सब खाने पे इसके पेट में गर्मी हो जाएगी, उसे ठंडा करने के लिए ये है प्रोप्योर, आप देख सकते हैं ये लिक्विड है पेट को ठंडा करने के लिए। और ये सबसे ठीक होने के बाद इसके जो जहाँ से बाल उड़ गए हैं वहाँ पे फिर से बाल आने के लिए और इसका कोट अच्छा होने के लिए ये आप देख सकते हैं वेलकोट लिक्विड है, सिरप है। तो कुछ ये था सारा दवा माइल्स के
प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। और ये सब के दौरान आपको बिल्कुल इसे पानी से दूर रखना है, क्योंकि पानी में जाने से इसे फिर इन्फेक्शन हो जाएगा। तो बस यही था सॉल्यूशन माइल्स के प्रॉब्लम को दूर करने का। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।